अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग अपने या किसी भी क्लाइंट के गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज़ को वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं, राइट, ऑटोमेटिकली, कि गूगल माई रिव्यूज़ पे या गूगल माई बिजनेस पे कोई भी अगर रिव्यू करे तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो किस तरह से इनको आपस में सेटअप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने आना है और यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है, और यहाँ पे हमें एक प्लगइन चाहिए जिसका नाम है गूगल रिव्यूज, राइट। कुछ इस तरह से आप लोग सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, बट यहाँ पे ये वाला प्लगइन आपने यूज़ करना है, बाय रिच प्लगइन्स, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेशन के बाद ये प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आप लोगों को इसकी सेटिंग्स लेफ्ट साइड पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों को ये एक पॉपअप नज़र आएगा। आप चाहें, अगर आपके पास गूगल रिव्यूज़ का एक्सेस है तो डायरेक्टली कनेक्ट गूगल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये आपके सामने इस तरह से वो शो कर देगा, एक पॉपअप शो कर देगा, तो आप लोगों ने करना ये है कि गूगल पे जाना है और उस स्पेसिफिक बिजनेस को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए अपने ही जो रिव्यूज़ हैं उनको सर्च करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा गूगल माई बिजनेस है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने इंस्पेक्ट कर देना है, ओके। इंस्पेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। समटाइम ये बॉटम की तरफ शो हो गई आपको कुछ ब्राउजर्स के अंदर, कुछ ब्राउजर्स के अंदर उस इस तरह से लेफ्ट पे शो होगी। तो जैसे यहाँ पे करना है तो आपने यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है डाटा डैश PID, तो सॉरी PID, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो चुका है डाटा PID। इसको सिंपल आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है या कोई भी जो भी लैंग्वेज है, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट गूगल कर देना है। तो इनवैलिड प्लेस PID, आई थिंक मैंने यहाँ पे ये वी एक्स्ट्रा डाल दिया था। अगेन मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा मेरे बिजनेस का नाम, और यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें इस तरह से शो करवा रहा है। इसको मैं सेव एंड अपडेट कर दूंगा। सेव एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट कोड आ गया। इस शॉर्ट कोड को आप जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे वहाँ पे ये रिव्यू शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड ले लेता हूँ, राइट, और इसको कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ पे वो शॉर्ट कोड डाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं डेवलपमेंट मोड के अंदर, लेकिन जब लाइव रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये शो होना शुरू हो गए। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप लोग गूगल रिव्यूज़ को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस शॉर्ट कोड को आप पोस्ट के अंदर भी चाहें तो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं और आपके जो गूगल रिव्यूज़ हैं वहाँ पे शो होंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।